बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर मैंने आपको कैद किया, उम्मीद करता हूँ आपने बुरा नहीं माना होगा। जी खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो पहले तो क्लास का आगाज करते हैं आपके क्वेश्चंस से, यानी वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका आप खुदा ना खास्ता शिकार हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की वजह से कंफ्यूजन है तो जनाब बंदा हाजिर है, आप पूछेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे की जाने बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। तो जनाबे अली, आपके पास कोई क्वेश्चन है? है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आपकी तरफ से बिस्मिल्लाह का तलबगार हूँ। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कुछ है पूछने के लिए? होमवर्क सारा कर लिया है सर? कर तो दिया है लेकिन एक एंट्री समझ नहीं आ रही। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? सर ईयर है 2000। अच्छा समझ गया, तीसरी एंट्री है। जी जी, वो व्हाट्सएप भी किया आपने मुझे यकीनन। ठीक है जी बिल्कुल, टाइम कार्ड्स ऑफ डायरेक्ट वर्कर ईयर 2000 का ये पॉइंट जरा सब बच्चे देख लें। ईयर 2000 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। जलील भाई अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आपने यस्टरडे की वीडियो देखी या नहीं पहले ये बताइए मुझे ईमानदारी से। जलील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जलील साहब हैं क्लास में? अच्छा अच्छा, एक क्लास की देखिए। ओके बेटा ओके, सर प्लीज जरा देख लें उसको। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देखें ये ऑनलाइन जो है ना, ये यकीन करें, आपको तो पता है मैं फिजिकल क्लास में भी किस तरह से आप लोगों को पढ़ाते हुए आपकी फिक्र करता हूँ, तो ये ऑनलाइन में तो ज्यादा मेरे सर पे बोझ है कि अगर 50 में से 10 पढ़ रहे हैं, 15 पढ़ रहे हैं तो यकीनन ये पढ़ने वाले ही लोग हैं। आपके पढ़ने पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जरा ये थोड़ा मामला जो है ना थोड़ा सा खटाई में पड़ा हुआ है, तो इसलिए प्लीज जरा सर थोड़ा सा, यानी इसी साल करना है क्लियर हम सब लोगों ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, तो बस मौदबाना रिक्वेस्ट है। ओके जी, सवाल ईयर 2000 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन 7 का एक पॉइंट मुझसे पूछा गया, मैं वो पॉइंट पढ़ के आपको क्लियर कर देता हूँ। टाइम कार्ड ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स शो 2000 आवर्स वर्क्ड ऑन वेरियस जॉब्स ड्यूरिंग द मंथ for total direct labor cost of ₹30,000। इस पॉइंट में ये जो 2000 आवर्स लिखा है ना, जब मैं सिर्फ पॉइंट सी को फोकस करता हूं, किसे? सिर्फ पॉइंट सी को फोकस करता हूं, तो मेरा यकीन मानिएगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार, बकवास और बोगस बात है कि 2000 घंटे काम करें, 2 घंटे काम करें या 2 लाख घंटे काम करें। क्यों सर? जब उसने मुझे बता दिया कि मजदूरों से कितने रुपए का काम करवाया मुख्तलिफ जॉब्स पर, 30,000 रुपए का, तो मेरे लिए तो इस पॉइंट की एंट्री क्या है, लिख के भेजें, कोई बताना चाहे तो अनम्यूट करके बताए क्या एंट्री है इस पॉइंट की। सिंपल, WIP डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट, WIP डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट, इतनी सिंपल एंट्री है बना ली आप लोगों ने। और यकीनन अली सुफियान, ईद की छुट्टियों के बाद इतना अरसे बाद तशरीफ लाए सर आप, मैं तो समझा छोड़ छाड़ के चलेगा सर, सारे आशियाने वाशियाने जला दिए आपने, बोला नहीं पढ़ना अब यार, हैं इतने अरसे के बाद वापस आए सर, सब खैरियत है? जी सर अल्लाह का शुक्र है। तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही? जी सर चल रही है। तो आप तो पिछले वीक भी नहीं थे मेरे मुताबिक। सर वीडियोस देख लीजिए। अच्छा चलें ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया। ओके तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बात सिर्फ इतनी सी है कि 2000
घंटे से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कब, जब मैं सिर्फ पॉइंट सी को फोकस करूं, एंट्री बना ली WIP डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट 30,000 रुपए से, तो फिर सर ये दिया हुआ क्यों है? अब ये तो आगे पता चलेगा क्यों दिया हुआ है। कभी कभी बिल्कुल बेकार दिया होता है, कोई काम नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, बस ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है, और कभी कभी कनेक्ट करता है कहीं और से इसे। आइए पॉइंट डी की तरफ चलता हूँ। डायरेक्ट वर्कर्स को पे कर दिया 23,600, डायरेक्ट वर्कर को पे करो, इनडायरेक्ट वर्कर को पे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंट्री बनाई पेरोल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 26,300। पॉइंट ई, पॉइंट ई में एक्चुअल FOH इनकर्ड, एंट्री बना दी। पॉइंट एफ, तो मेरे पढ़े लिखे बच्चों ने, मेरी पढ़े लिखे बच्चों ने जवाब भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक स्टूडेंट है हमारी इंतहाई पढ़ी लिखी मोहज़्ज़िज़, उन्होंने जवाब दिया सर पॉइंट सी में जो 2000 घंटे है ना उसका ताल्लुक है एफ से। मैंने कहा शुक्रिया बेटा बहुत बहुत बताने का आपका, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पॉइंट एफ से लिंक है सी के 2000 घंटों का। कैसे, आओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। ओवरहेड इज अप्लाइड टू जॉब्स, ओवरहेड अप्लाई FOH अप्लाई होता है जॉब्स पर एट अ रेट ऑफ 18 पर डायरेक्ट लेबर आर, यानी एक घंटा डायरेक्ट लेबर काम करती है तो 18 रुपए FOH होता है। तो अब एंट्री तो बना ली होगी सबने, WIP डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट अमाउंट 18 रुपए लिख के बैठे हो तो सलाम है तुम्हारी अजमतों को भाई। अगर जिन्होंने 18 रुपए से एंट्री बनाई है उन्हें सलाम है उनकी अजमतों को, वो लोग वालेकुम असलाम लिख के भेजें, मैं समझ जाऊंगा यही वो लोग हैं जो 18 रुपए से एंट्री बना के बैठे हैं। और वो लोग जिन्होंने 2000 को 18 से मल्टीप्लाई किया वो लोग 36,000 रुपए से बिल्कुल सही एंट्री बना के बैठे हैं। 36,000 से एंट्री बनी की WIP डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बताना, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें। अमरीना आपको क्लियर हो गई बात? जी सर। ओके प्यारे बच्चों, तो मेरा ख्याल है अब हमें आगे की तरफ। और कोई क्वेश्चन है? आप सब लोगों ने काम कर लिया है, काम नहीं किया तो पढ़ लिया है, मेक श्योर कर लिया है कि आप काम करने के काबिल हैं, तो मुझे जल्दी से बताएं ताकि मैं आगे की जानिब बढ़ूं, कुछ नया कुछ डिफरेंट पढ़ें। ओके तो बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। 2002 रेगुलर प्राइवेट, 2002 रेगुलर प्राइवेट। हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है तो पूछ लें, नहीं है तो फिर मैं नया सवाल शुरू कर दूं। हाँ बस ओके। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 निकाल के सामने रखो। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। हम मगरिब की नमाज के लिए बीच में ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? तो जब जिसकी तरफ भी पहले अजान की आवाज़ आ जाए वो मुझे बता देगा तो मैं क्लास रोक दूंगा, और फिर हम जो है, या फिर 40 मिनट का सेशन पूरा करते हैं मगरिब की नमाज के बाद, नमाज पढ़ के दोबारा कंटिन्यू, सिर्फ एक क्लास और ले लेंगे बस, क्योंकि दो क्लासेस तो मिनिमम होती है ना भाई, आपकी लॉस नहीं करना है, क्या ख्याल है? तो जरा बताएं मुझे 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 पर आप मौजूद हैं। मैं सवाल पढ़ूं, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेट टू डिसेंट कॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2002। क्या पूरी क्लास 2002 पे मौजूद है? मैं पढ़ूं, इजाजत है आगे बढ़ूं? ओके, कहता है एक पॉइंट से पहले पॉइंट में लिखा मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट 1,70,000, कोई बड़ी बात नहीं है, आता है, किस तरह हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आज बड़े डिफरेंट अंदाज में लिख के दिया, मटेरियल एंड लेबर यूज्ड ऑन जॉब्स वर एज अंडर, मटेरियल और लेबर जॉब्स पे इस्तेमाल हुई इस तरह से। अच्छा, आज तक मटेरियल बता रहा था कि मटेरियल इस्तेमाल हुआ इतने रुपए का, और हम डायरेक्ट बना रहे थे क्या? WIP डेबिट मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बना रहे थे FOH डेबिट मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर की एंट्री बना रहे थे WIP डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट। कोई एतराज वाली बात सर? जी फरमाइए सर। बीच में आवाज कट रही है आपकी, कम और ज्यादा हो रही है। मैं पूछ लेता हूँ, क्या मेरी आवाज और भी किसी के पास कम ज्यादा हो रही है? हो रही है। अच्छा अच्छा, आवाज एक मिनट रुक जाए तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। चले मैं ये कर सकता हूँ, चेक कर लूँ, या तो इंटरनेट का मसला हो सकता है या फिर मेरे माइक का मसला, मुझे लग रहा है मेरे माइक का मसला है। हेलो 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 हेलो, माइक का मसला है? नहीं, माइक का मसला तो नहीं लग रहा। हेलो 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 हेलो, अभी सही आ रही है आवाज़ आप लोगों को? जरा बताइएगा प्लीज, अभी सही आ रही है आवाज़? जी सर, अभी आवाज़ सही है, अभी आवाज़ कट तो नहीं रही मेरे मुताबिक? ये मेरा माइक आपके सामने खुला हुआ है, स्क्रीन तो शेयर हुई हुई आप लोगों को नजर आ ही रही होगी जी। मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही है, इसका मतलब है आवाज मेरे एंड से नहीं कट रही, या हो सकता है मेरे एंड पे इंटरनेट थोड़ा बहुत डाउन हुआ हो, तो हो सकता है, मुमकिन है, कोई शक नहीं है इस बात पे। चलें तो कंटिन्यू कर लो फिर क्लास को, जहां आवाज दोबारा कट हो तो मुझे बता देना, तकल्लुफ नहीं करना, बिल्कुल जैसे अभी बताया है। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि
आज के सवाल में क्या खासियत है, आज के सवाल में खासियत यह है कि उसने तीन जॉब बता दी अलग अलग। अगर आप फटी हुई आंखों से देखें, फटी हुई आंखों से अगर आप देखें तो क्या बता दी उसने, तीन अलग अलग जॉब। अच्छा तो सर इसमें क्या नया है, भैया नया ही तो है कि जॉब बताई और बोला जॉब नंबर वन, जॉब नंबर टू और जॉब नंबर थ्री, और तीनों पे कहा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल लगा है 11,400, 5,000, 17,200, लेबर लगी है 14,000, 7,000, 18,400। अच्छा और इसी तरह आप देखो फिर नीचे लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल किसी जॉब पर लिखा, इनडायरेक्ट मटेरियल किसी, सर अब कट गई है, मैं बोल नहीं रहा तो जाहिर सी बात है आवाज ही नहीं आएगी, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं रुक गया हूँ। अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, ये बताओ पहले, अभी तो आ रही है ना समी भाई, आवाज आ रही है या गई? अच्छा समी आवाज आ रही है मेरा बेटा, अच्छा अच्छा आ रही है, हाँ मतलब मैं रुक गया था ना, मैं रुकूंगा तो जाहिर सी बात है आवाज कैसे आएगी, मैं खामोश हो गया था एक मिनट के लिए। तो मेरे बच्चों जॉब वन टू थ्री, एक बात बताओ जॉब पर जो मटेरियल लगता है वो कौन सा होता है? हाँ जी दो किस्म के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अच्छा जॉब पर जो मटेरियल लगता है वो, मेजॉरिटी ने मुझे जवाब दिया जॉब पे जो मटेरियल लगता है वो डायरेक्ट होता है, और इसी तरह जॉब पे जो लेबर लगती है, बहुत शुक्रिया। असल में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जॉब है क्या, जॉब का मतलब है वो जो आप कीबोर्ड बना रहे हैं, वो जो आप लैपटॉप बना रहे हैं, वो जो आप मोबाइल बना रहे हैं, वो जो आप बिरयानी की देख बना रहे हैं, तो उस बिरयानी को देख को बनाने के लिए जो मटेरियल बिरयानी की देख पर लगता है वो जनरली डायरेक्ट मटेरियल होता है, चाहे इनडायरेक्ट हो या ना हो डायरेक्ट जरूर होता है। इसी तरह जो मजदूर उस प्रोडक्ट उस बिरयानी को बनाने पे काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि जॉब पर जो मटेरियल लगे और जॉब पे जो लेबर लगे वो जनरली कौन सी होती है? तो जवाब आप लोगों ने सब ने सही दिया शुक्रिया के साथ कि सर वो डायरेक्ट होती है। तो आज इसने हमें जॉब के ऊपर, जॉब वन टू थ्री के सामने जॉब के मटेरियल और लेबर के साथ डायरेक्ट लिखकर इसने हम पर कोई एहसान अजीम नहीं किया। इसका मतलब है हमें पता है जॉब पर लगने वाला मटेरियल डायरेक्ट, जॉब पे लगने वाली लेबर भी डायरेक्ट, इसीलिए तो उसने अलग से नीचे बताया क्या इनडायरेक्ट मटेरियल 3,800। क्या ये बताया किस किस जॉब पे लगा? अगर ये बता सकें कि ये किस जॉब पर कितना लगा तो इसका मतलब है फिर हम हर जॉब की अलग अलग कीमत निकाल सकते हैं, हर जॉब के हर यूनिट की अलग अलग कीमत निकाल लेंगे। तो यही तो मसला है कि FOH होता जरूर है लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस चीज पर कितना हुआ। बिजली खर्च तो हुई लेकिन किस यूनिट को बनाते हुए, किस जॉब को बनाते हुए कितने रुपए की बिजली खर्च हुई ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। याद आया मेरे जुमला, बिरयानी पकाते हुए और कोरमा पकाते हुए या एक शादी का ऑर्डर और एक फिर अगला माइयों का ऑर्डर पकाते हुए इस पर कितने रुपए की गैस खर्च हुई एग्जैक्ट ये कोई? अच्छा आवाज गई, ओके रुक जा। आवाज खत्म हो गई, आवाज मुझे लग रहा है तो आवाज का मसला है, आवाज स्लो हो गई। चेक करते हैं, हेलो 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 हेलो, मुझे लग मुझे घर है मेरा, अब देखो अब आवाज आई, अब सही है आवाज, बताओ अब आवाज सही है? अगर फिर जाए तो बिला तकल्लुफ ऐसे ही बोलना है, हाँ कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आवाज अगर जाए तो बताना जरूर, हाँ क्योंकि ये जो ना माइक, असल में मैं एक क्लास ले चुका ना तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया, साथ साथ चार्जिंग भी हो रही है तो शायद इसी वजह से मसला कर रहा है। अच्छा जी मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि आज मटेरियल दिया हुआ है और एहसान किया उसने, ये भी एहसान है उसका, 3,800 के सामने मटेरियल के सामने उसने क्या लिखा, 3,800 मटेरियल के सामने उसने क्या लिखा बोलो, इनडायरेक्ट। तो जाहिर सी बात है जब ये किसी जॉब पे नहीं लगा है तो लगा तो जॉब पे ही होगा, क्या ख्याल है, लगा तो जॉब पे ही होगा, तो सर जरूरी है कि सारा जॉब पे लगाओ? नहीं, हो सकता है फैक्ट्री में किसी दूसरे कामों में भी जर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं
वो नॉर्मली लेबर जो होती है वो प्रोडक्ट पे काम करती है, लेकिन हम उनका एक आध दो घंटे किसी और काम पे भी तो उनसे काम ले सकते हैं ना। तो अगर हम वो काम ले लें तो फिर वो जो काम होगा वो तमाम, वो फिर ये नहीं कहेंगे कि हम जॉब की वजह से हुआ, वो इनडायरेक्ट काम होगा। तो बहरहाल समरी ये है कि आज इनडायरेक्ट मटेरियल 3,800 दिया हुआ है और ये किस जॉब पर कितना लगा ये कोई भी बता नहीं सकता। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर, मजदूरों ने सपोर्ट किया होगा, लोगों ने सपोर्ट किया होगा प्रोडक्शन को, वो 5,500 रुपए और किस जॉब पर कितनी है ये भी कोई बता नहीं सकता। यहाँ तक कोई एतराज, सवाल समझने में कोई मुश्किल? आगे बढ़ूं, इजाजत है? आप लोगों को समझ आ रहा है? अच्छा, तो अब लिखा है आगे, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, इसके अलावा और भी एफओएच के खर्चे हुए। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया गया, और पॉइंट नंबर 6 में डिफरेंट बात लिखी है। पॉइंट नंबर 6 तक पहुंचने से पहले अब मेरी आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है कि आप अपने पास जर्नल बनाकर एंट्रीज बनाने का आगाज करें। सर एंट्री कैसे बनानी है? जैसे बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनानी है। और ये जो पॉइंट नंबर 2 है अल्लाह के हुक्म से इसकी भी आप बना लेंगे, और अभी देखें आपसे ही बनवाऊंगा इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जर्नल ड्राफ्ट कर लें, मैं भी आपके साथ काम का आगाज कर लूँ, मेरा ख्याल है बेहतर तो यही है। बिस्मिल्लाह। कल मुझे याद पड़ता है ये 2016 का सवाल मैंने किया था क्या? ये 2016 का सवाल हुआ हुआ है या कोई और सा हुआ हुआ है? 16 का ही हुआ हुआ है शायद, है ना? ये 16 का ही सवाल हुआ हुआ है ना? हाँ शायद ये 16 का ही सवाल है। ओके, तो फिर हम नया सवाल शुरू करते हैं। मैं इसको ज़रा नई शीट बना लेता हूँ। कंपाउंड तो बनेगी, लेकिन अरीशा क्या क्या चीज़ें कंपाउंड करोगी ये ज़रा जहानत का सबूत देना। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ हम वर्क इन प्रोसेस। अगर यहाँ तुमसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से बात करूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में हर जॉब का अलग अलग WIP होता है जी। WIP जॉब 1 अलग, WIP जॉब 2 अलग, WIP जॉब 3 अलग, लेकिन हम WIP जॉब 1, 2, 3 अलग अलग लिखेंगे नहीं। हम WIP का ऑलरेडी एक कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो WIP में कितनी चीज़ें एक साथ डाल सकते हो आप जहानत का सबूत देना। बस आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें, बनाना शुरू तो मैं बता दूंगा। चलो ये है 2002 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, बिजनेस का नाम है डीसेंट कॉर्पोरेशन। डीसेंट कॉर्पोरेशन जर्नल बना रहे हैं और एंट्रीज बनाने का आगाज हुआ, चाहता है डायरेक्ट मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट 1,70,000। ये एंट्री बन गई 1,70,000। पॉइंट नंबर 1 तो मैंने भी लिख दिया यहाँ 1। पॉइंट 2 ए, आवाज खराब हो रही है? आवाज मैं हल्के बोल रहा हूँ, ये तो है बस अभी, लेकिन अगर आवाज दोबारा खराब हो रही है तो मैं आप माइक ही हटा देता हूँ, बोलो तो। मैंने हल्के बोलना शुरू कर दिया था ना क्योंकि मैं अब एंट्री बना रहा हूँ। हाँ, तो मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, सही है, ये एंट्री बन गई। अच्छा, उसके बाद अब जो अगली एंट्री बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं किसकी? डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बना रहे हैं। तो क्या सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लगा जॉब पर? डायरेक्ट मटेरियल तो लगता है, लेकिन और साथ में इनडायरेक्ट भी लगता है जो हम बता नहीं सकते किस जॉब पर कितना लगा, इसीलिए वो अलग से लिखा हुआ होता है, देख भी रहे होंगे आप सब, है ना? तो मुझे बता सकते हैं कि क्या आप डायरेक्ट मटेरियल और लेबर को मिला के एक एंट्री बनाने के ख्वाहिशमंद हैं? इस ख्वाहिश का इजहार तो बहुत बचपन में किसी ने किया था, तो मैंने इस ख्वाहिश को वहीं पे मार दिया था। मैंने बोला था बेटे हम ऑलरेडी WIP का एक कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो WIP हर जॉब का अलग अलग बनता है, आप मटेरियल और लेबर को मिला के एक एंट्री बनाने का मत सोचना, एक एंट्री बनाओ 2A और एक एंट्री बनाओ 2B। तो 2A क्या बननी चाहिए?
अब आप अमाउंट बताओगे आप मुझे, मुझे नहीं पता, आवाज आ रही है ना भाई सबको, 2A की अमाउंट आप बताएंगे मुझे सोच समझ के, गलत बताई तो भी आप बोलेंगे, सही बताई तो भी आप बताएंगे। यस 11,400। अच्छा कैसे, थोड़ा समझाएंगी प्लीज, मतलब आप ओपन किए, मतलब आप मुझसे तीन अलग अलग एंट्री बनवाना चाहती हैं क्या? मैंने इस डब्ल्यू आई पी के आगे लिखा है जॉब वन, बताइए शाबाश। नहीं। तो फिर मुझे जॉब वन की अमाउंट क्यों लिखवा रही हैं आप? सर फिर कितनी लिखवाऊं अमाउंट, जब मैं ये मेंशन ही नहीं कर रहा ये डब्ल्यू आई पी किस जॉब का है, तो इसका मतलब है ये सारी कंट्रोल अकाउंट है, सारी जॉब्स का है, तो अब सारी जॉब्स के अमाउंट बताने के लिए आपको दूसरे सैयारे पे भेज दूं सब लोगों को, आज बता देंगे जवाब, जिन्होंने बता दिया उनका शुक्रिया, अल्लाह करे यही हो, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मसला थोड़ी है, मुझे गलत लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, लग रहा है अल्लाह करे ना हो, नहीं सही है, ठीक है सही होगा ये। अच्छा ओके ये लिख दिया, अब FOH में कोई अमाउंट आएगी या नहीं है FOH इन्वॉल्व? FOH में कोई अमाउंट आएगी? शहरयार भाई 73 समझ में नहीं आया मुझे जी, FOH की अमाउंट बताएगा कोई मुझे? शुक्रिया बेटा 3,800, बहुत बहुत शुक्रिया, 3,800 रुपये FOH आ गया, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई 37,400। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले, जिससे समझ नहीं आया वो बेफिक्र होके पूछ ले, 2A समझ आ गया तो 2B में मेरे डिपेंडेंट नहीं रहे तुम, चलो अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो और शराफत से 2B बनाओ। जब लिख लो तो मुझे अमाउंट बता देना, अमरीना अमाउंट बताओ, चलो सर डब्ल्यू आई पी आई 39,400 लेबर की, और इनडायरेक्ट आएगी अरीशा 5,500। अच्छा ठीक है, अरीशा बिस्मा कहाँ है बेटा? 5,500। अरे तुम लोगों को पता ही नहीं होता कैसे फ्रेंड हो तुम लोग भाई, अच्छा फ्रेंड नहीं हो, मुझे लगा फ्रेंड हो, ठीक है भाई। तो 44,900 शुक्रिया आपका बहुत बहुत, 2B बन चुकी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, थर्ड पॉइंट की एंट्री क्या है, क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, यही एंट्री है। आप देख रहे हैं अभी तक मैं सिर्फ एंट्रीज के ऊपर ही गेम चला रहा हूँ, लेकिन अब एंट्रीज में आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा ठीक है एमन, शुक्रिया आपका जी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप नोट कर रहे हैं कि मैं कंप्यूटेशंस की तरफ जा रहा हूँ, टी अकाउंट की तरफ आया, अब कंप्यूटेशंस की तरफ जाऊंगा। अच्छा वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था घर पे कर लेना, उसको टी अकाउंट बना लिया तो उसके आंसर तो शेयर करना जरा मुझसे, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ फिर आंसर शेयर करना, सही है जी। FOH डेबिट अकाउंट विल क्रेडिट 6,850 से एंट्री बन गई। पॉइंट नंबर 4 की एंट्री सुनाओ भाई, पॉइंट 4 की एंट्री, 4 की एंट्री सुनाओ, क्या हो गया अभी तक सुना ही नहीं रहा है, 4 की एंट्री कोई लिख के नहीं दिखा रहा मुझे, क्या इतनी मुश्किल है लिखनी, टाइप करने में मुश्किल हो रही है। पॉइंट 4 में लिखा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,000 रुपए। सर FOH डेबिट होगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा 3,000 से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, FOH डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट, किसी को एतराज हो तो पूछ ले,
0.4 के बाद मैं 0.5 पर जा रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर का 80%, 0.5 में डायरेक्ट लेबर का 80%, तो डायरेक्ट लेबर कितनी है जनाबे अली? 39,400 मल्टीप्लाई बाय 80%, इकतीस हजार पाँच सौ बीस। जिसे समझ नहीं आया वो पूछे कि सर मुझे ये एंट्री समझ नहीं आई। डब्ल्यू आई पी डेबिट, एफ ओ एच अप्लाइड क्रेडिट। 0.5 के बाद 0.6 क्या कहता है? जॉब नंबर 1 and 2 वर कंप्लीटेड एंड कस्टमर वर बिल्ड। लानत भेजिए सर, क्यों लानत क्यों भेजें? अरे वो बोल रहा है जॉब 1 2 बन गई और कस्टमर को बिल, यानी कस्टमर को बेच दी, जब भी तो बिल बना के दिया। अरे पहले ये बताओ बनी कितने की, छोड़ो ना बेच दी, बेचना तो बात की बात होता है भाई, पहले ये बताओ जॉब 1 2 बन गई तो कितने रुपए की बनी और बनने की एंट्री क्या होती है ये बताओ मुझे, बनने की एंट्री क्या होती है ये बताओ। हाँ बनने की एंट्री लिखवाओ क्या होती है ऋषा, पहले बनने की एंट्री लिखवाओ मुझे, फिर मैं तुम्हारा जवाब कोशिश करूंगा याद रखूं जो तुमने भेजा है। जी बनने की एंट्री यही है जो लिखी हुई है सर इस वक्त, फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यू आई पी क्रेडिट। लेकिन ये अमाउंट क्या है अब बताओ? आज कोई बोले सर मैं डब्ल्यू आई पी का टी अकाउंट बना लूं इससे पता चल जाएगा, नहीं, डब्ल्यू आई पी का टी अकाउंट तो तब बनता है जब ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस दिए हुए हो, फिर आप बनाकर मालूम करते हैं कि डब्ल्यू आई पी से कितने का सामान बन के निकल गया। याद आया कल वाले जुमले मेरे? तो डब्ल्यू आई पी का अकाउंट बनाने का तो आज कोई फायदा ही नहीं होगा, तो कोई भी डब्ल्यू आई पी अकाउंट बनाने का सोचे नहीं। सर फिर कैसे मालूम करेंगे हमने कितने रुपए का सामान बनाया? क्या आज उसने बताया है कि कौन कौन सी जॉब बनाई? पहले मैं जुबानी बोल रहा हूँ, क्या उसने बताया कौन कौन सी जॉब बनाई? बताया, शुक्रिया, आपने जी लिख के भेजा, इस जी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसने बताया है कि कौन कौन सी जॉब बनी, कौन कौन सी बनी? वन और टू बनी। वैसे बना कौन कौन सी रहे थे, बना कौन कौन सी रहे थे? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 बना रहे थे। 1 2 3 को क्या किसी एक अलग अलग डब्बों में बना रहे थे, अलग अलग जगहों पे बना रहे थे? सब फैक्ट्री में बनती हैं और अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से कहाँ बनती हैं, अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से कहाँ बनती हैं, अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बनती हैं? अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ शहरयार, कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा इडियट। जॉब कहाँ पे बनती है? शुक्रिया शहरयार साहब जी, शुक्रिया समी भाई। जॉब बनती है वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस में बेसिकली कितनी जॉब्स के पैसे घूम रहे थे, वर्क इन प्रोसेस में कितनी जॉब्स के पैसे घूम रहे थे? 3। तो अब मुझे क्या पता कि जो जॉब नहीं बनी उसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं? या तो मुझे ये पता हो कि जॉब 3 कितने की है, क्या पता हो जॉब 3 कितने की है, तो मैं उसके पैसों को टोटल पैसों में से, बोलो जॉब 3 के पैसों को टोटल पैसों में से लेस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा जॉब 1 और 2 की कीमत। लेकिन उसमें भी एक मसला है, मुझे जॉब 1 और 2 की कीमत भी अलग अलग पता होनी चाहिए, वो बेहतर तरीका है। तो क्यों ना मैं वही जॉब लिखकर ऐड करूं जिन जॉब्स को मैंने बनाया। तो मैं आज आपको एक छोटी सी नई कंपटीशन सिखाने लगा हूं। सर ये कंपटीशन कहाँ करनी है? आपने अंदाजा लगाना है सवाल के पॉइंट्स को देखकर कि आपके पास इसके बाद और कितनी एंट्रीज हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, आवाज आ रही है? आपने अंदाजा लगाना है, 9 मिनट बाकी हैं तकरीबन और 9 मिनट के बाद अजान भी शुरू हो ही जाएगी, अजान का वक्त हो जाएगा तो हम ब्रेक ले लेंगे और फिर नमाज पढ़ के तकरीबन 15 मिनट के बाद, तकरीबन 15 मिनट का ब्रेक लेंगे हम और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अल्लाह के हुक्म से, सही है? अच्छा तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आप लोगों से सिर्फ कि भाई जनाबे अली जॉब 1 और 2 को बनाया है, तो मैं इसको बनाने के लिए इसको एक कंपटीशन करनी है और वो कंपटीशन कहाँ की जाए? तो आप इसके बाद देखें और कितने पॉइंट हैं। भाई सर इसके बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से 1 से 2 एंट्री और आएंगी इसके बाद भी 1 से 2 एंट्री आएंगी, और जब वो एंट्री बना लेंगे तो फिर हमारा कंपटीशन की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। तो लेकिन आप तो जाहिर सी बात है अभी कंपटीशन कर रहे हैं सर इमरान,
तो क्या करें, अगले पेज पे चले जाएं। और अगर आपको लग रहा है ये जर्नल जर्नल अगले पेज पे जाएगा, तो आप एक से दो एंट्री छोड़कर फिर इस कंप्यूटेशन को करें। मैं फिलहाल यहाँ कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ आएगा पूछेंगे। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, क्या हेडिंग आई, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, ठीक है। और थोड़ा सा अंदाज शेयर कर लेते हैं किस तरह से कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड किया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये हमारे पास आप कह सकते हैं चार कॉलम होंगे, सही है, चार कॉलम भी ले बना सकते, ये हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, वर्टिकल भी। पहले मैं बना लूं फिर समझ में आएगा क्या किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं डीएम DL, ये यहां क्या लिखूं पूरा बताएं, बोलें यहां क्या लिखूं, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है, आप देर लगाएंगे मैं खुद ही लिख दूंगा। जॉब को बनाने में जो FOH लगता है वो अप्लाइड होता है, एक्चुअल तो बाद में पता चलता है। याद आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, DM DL FOH अप्लाइड और फिर आता है टोटल, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कौन सी जॉब बन रही है, सबसे पहले जॉब 01 या 1, अच्छा इसको बनाने में सबसे पहले क्या लग रहा है बताओ। सर कौन कौन सी जॉब लिखेंगे यहाँ पे भाई, क्या हेडिंग डाली है मैंने ऊपर, यहाँ इस हेडिंग को यहाँ कर दो, ऐसा करो, ये लो यहाँ लिख दो पर्टिकुलर्स, या कुछ भी ना लिखो, ये ब्लैंक छोड़ दो, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड ये हेडिंग है, सही है, ये हेडिंग है कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, ये हेडिंग है, ये ब्लैंक हो गया और यहाँ डीएम डीएल एफओएच अप्लाइड के कॉलम बना लिए। आप चाहते हैं मैं कॉलम बनाऊं तो यहाँ कॉलम बना देता हूँ मैं, ये ले, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है भाई,
सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई थी, इस वजह से मुझे खामोश होना पड़ा, मैं जरा बात कर रहा था कॉल पे। तो अब आप लोग शायद अगर काम कर चुके हैं खुद से और काम कर रहे थे, तो मेरे मुताबिक अब आप इस फॉर्मेट में सिर्फ अमाउंट लिख दें, डीएम लिख दें जल्दी से, 11,400 और 5,000 रुपये। ठीक है सर, ये 5,000 किसका लिखा, ये जॉब 02 का लिखा। आवाज़ आ रही है मेरी, सबको आवाज़ आ रही है? ओके। और फिर डायरेक्ट लेबर लिख दी 14,000 रुपये और 7,000 रुपये। अब FOH अप्लाइड कैसे लिखूं? क्या खुदा ना खास्ता आप मुझे कहोगे FOH अप्लाइड ये लिख दूं, ये 31,520 रुपये? बोलो, 31,520 लिखो? नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया, बोला सर नहीं, कैसी बातें करते हैं आप। सर डायरेक्ट FOH का रिश्ता किससे था? डायरेक्ट लेबर से, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 80%, है ना। ये आ गया FOH अप्लाइड, ये आ गया इसका FOH अप्लाइड। और इसके बाद सिंपल उठा के हमने इनकी वैल्यूज को क्या कर लिया, प्लस। बस जॉब वन भी पता चल गई और जॉब टू भी पता चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मजे की बात ये कि दोनों को ऐड करके हमें कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड भी पता चल गई। बातों बातों में आपको पता नहीं चला शायद। अजान ब्रेक लेंगे, अजान ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्या ख्याल है? आप इसको क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, क्या एंट्री बनाएंगे? फिनिश गुड्स डेबिट WIP क्रेडिट 54,200 से ये एंट्री बन गई। इसके बाद मजीद बोल रहा हूँ, आपसे काम हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। फिर नमाज के बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद क्लास शुरू करते हैं। अजान अभी शुरू तो नहीं हुई है वैसे, लेकिन बहरहाल बस नमाज पढ़ के आप लोग आ जाइएगा वापस, मैं भी नमाज पढ़ के शुरू करूँगा क्लास, ठीक है? तो अभी अजान ही नहीं हुई है मेरे ख्याल, अजान में भी तकरीबन 5-7 मिनट हैं। ओके, तो काम की बात ये कि इसके बाद फिर आपने इन दोनों जॉब्स को क्या कर दिया, बेच दिया, अलग अलग अमाउंट दिए, यानी जितने का सामान बना आज सारा का सारा हमारे पास से, जल्दी बताओ क्या हुआ, चला गया। कितने रुपए में बेचा, चला गया तो एक एंट्री और बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और कितने में बेचा ये एंट्री बनेगी।